हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यूट्रीफिट बॉडी एंड सोल। चलिए बनाते हैं हम पोटैटो टिक्का सैलेड। पोटैटो सैलेड किसे नहीं पसंद, लेकिन चलिए बनाते हैं इसको बिल्कुल ही एक नए अंदाज में। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक मिक्सिंग बाउल, जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक छोटी कटोरी दही। ये दही जो है वो थोड़ा सा थिक होना जरूरी है, बहुत पतला दही अच्छा नहीं रहे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे अराउंड 2 टेबल स्पून ऑफ बेसन। इसके बाद हम इसको सीजन करेंगे थोड़े से सॉल्ट के संग, हल्दी पाउडर के संग। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। इसके बाद हम इसमें स्क्वीज करेंगे लेमन को। इसके अंदर लेमन जूस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, जिससे कि इसकी जो खट्टास है वो हमारे आलू टिक्का के अंदर बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करेगा। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे मिर्ची का तड़का। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें मिर्ची को बिल्कुल नहीं जलाना है। जब ही हमारा तड़का रेडी हो जाएगा, तो हम इसको घी वाले दही वाले हमारे मसाले के अंदर डाल देंगे। अब हम इसको करेंगे बहुत ही अच्छे से विस्क और एक बैटर बना लेंगे कुछ इस तरीके से। चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स को कुछ इस तरीके से मोटा मोटा चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे डाला मैंने अनियन। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ मशरूम। अगर आप मशरूम पसंद नहीं करते हैं, तो आप मशरूम को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डाल रहे हैं मोटी कटी हुई कैप्सिकम। नेक्स्ट इसमें जाएगा हमारा चॉप्ड टमेटोज। फिर हम इसमें डालेंगे हमारे बॉइल्ड आलू। यहाँ पे आलू को हमने बॉईल कर लिया है 1 से 2 सीटी देके। इसको बहुत ज़्यादा नहीं घुटाना है, हल्के से आलू जो है हमारे खड़े खड़े होने चाहिए। चलिए इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है, तो आप इसके अंदर फ्रेश गार्लिक को क्रश करके भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गार्लिक डालने के बाद इसको मैंने दिया एक हल्का सा मिक्स। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी फॉर मिनिमम 30 मिनट्स। आफ्टर 30 मिनट्स जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से मैरिनेट हो चुकी हैं। अब हम लेंगे हमारा ग्रिल पैन और हम इस सारी वेजिटेबल्स को इसमें ग्रिल करने के लिए रख देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और अपनी जो ग्रिल पैन है इसको ग्रीस कर रही हूँ। अगर आप ये रेसिपी गैस पर बनाना चाहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको तवे पर ग्रिल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए जो हमारी सारी वेजिटेबल्स हैं, इसको मैं ग्रिल पैन में ऐड कर दूंगी। हमने जो इसका मैरिनेशन है वो हल्का सा लूज रखा है, बहुत ड्राई नहीं रखा है। इससे क्या होगा, जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो ग्रिल होंगे, उसके बाद भी थोड़ी मॉइस्ट रहेंगे। चलिए फिर हम इसको अब ग्रिल करेंगे, हाई रैक के ऊपर रखेंगे फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स। आफ्टर 15 मिनट्स आप देखेंगे जो आपकी वेजिटेबल्स हैं बहुत ही अच्छे से चार हो चुकी हैं। इसमें बहुत ही अच्छे से कलर आया है, लेकिन जो वेजिटेबल्स हैं अभी भी मॉइस्ट हैं और बहुत ही अच्छे सा इसमें अभी भी क्रंच जो है वो बरकरार है। चलिए लेते हैं एक सर्विंग बाउल और सारी वेजिटेबल्स को सर्व करते हैं और इन्जॉय करते हैं हमारा ग्रिल पोटैटो सैलेड। आई एम श्योर आपको ये जो रेसिपी है वो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। इसको ज़रूर ट्राई करेगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसी बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज, वेट लॉस रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।